हाय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम कैसे आप लोग मेरा नाम नबील है ये आज हमारा संडे क्यूंज इसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ जो लोग कार एंथुजियास्ट है जो, जो लोग लो मुझे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरी न्यू कार कौन सी लिया हूँ और उसके बारे में डिटेल्स पूछते हैं तो उसकी जो डिलीवरी एक्सपीरियंस का वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पर आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप में से मैगजिम लोग मैं जानता हूँ देख ही चुके होंगे क्योंकि मैंने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में उसको शेयर कर दिया था लेकिन अगर आपने नहीं देगा तो आप देख सकते चेकआउट कर सकते हैं और आपकी मुझे राय भी जो है आप अगले संडे क्यू एन ए के लिए बता सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो संडे क्यू एन ए का पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछा मोहम्मद इमाद का ये बोलते हैं दो हजार बाईस में आपका फेवरेट वैल्यू फॉर मनी सेकेंड हैंड आईफोन कौन सा है तो देखो एकदम आप सस्ते में देख रहे हो अगर आप लो एंड में देख रहे हो तो आपको आईफोन टेन आर के लिए जाना चाहिए अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो वैल्यू फॉर मनी सेकंड हैंड आईफोन भी मेरा जो है वो आईफोन ट्वेल्व ही रहेगा ट्वेल्व या फिर ट्वेल्व मिनी ये दोनों में से किसी के लिए भी जाइए वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपको ये बेस्ट होती है इससे ज़्यादा वैल्यू मेरे हिसाब से नए पुराने किसी भी फोन में कोई और आईफोन जो है प्रोवाइड अभी फिलहाल के लिए नहीं करा मतलब आप जो पैसा दे रहे हो उसके सामने जो चीज़ आपको मिल रही है उसको वैल्यू मनी बोलते हो वो जो है इन दोनों में सबसे बेस्ट मिलती है आपको अगला क्वेश्चन है तोहिद शेख का स्कूटर से रिलेटेड सवाल करते हैं बोलते हैं एक्सेस वन ट्वेंटी लू या वेस्पा वन ट्वेंटी लू देखो एक्सेस और वेस्पा ये दोनों अलग अलग क्राउड की तरफ जो है ये टारगेट किया हुआ है वेस्पा जो है थोड़ा यंग क्राउड जिसको थोड़ा उस टाइप का रेट्रो वाली फीलिंग और स्पोर्टी जो है उसकी राइड एंड हैंडलिंग वो पसंद है उनके तरफ इंक्लाइंड है और एक्सेस जो है ज़्यादा जो कम्यूटर क्लास है जिनको रोज ट्रैवल करना पड़ता है सामान रखना पड़ता है उनके तरफ जो है वो इंक्लाइंड अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्सेस वन ट्वेंटी फाइव लेता उसका रीजन ये है ऐसा नहीं है कि मुझे फन टू ड्राइव गाड़ियां पसंद नहीं फन टू ड्राइव पसंद लेकिन फिर स्कूटर में क्या फन टू ड्राइव फन टू ड्राइव लेना है तो कार है मोटरसाइकिल है वो अलग चीज है स्कूटर जो यूटिलिटेरियन पर्पज के लिए मैं रखना चाहता हूँ पसंद करता हूँ इसलिए जो है मैं एक्सेस लेता अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं ये का ये बोलते हैं आईफोन ए सी थ्री में क्या आईफोन फोन टेना का डिजाइन आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा उसके अंदर आईफोन ए सी टू वाला डिजाइन आएगा तो बहुत ज्यादा उसके बारे में एक्साइटेड मत रही हाँ उसमें कुछ चीजें चेंजेस ऐसे यहाँ लेके आने वाला है जो आपको अच्छे लग सकते हैं नबी नो आप चैनल पर फिर से कोई बड़ा गिव अवे देखने को मिलेगा जैसे पांच एपल प्रोडक्ट्स का हमने गिव अवे रखा था वैसे टोटल दस प्रोडक्ट्स का गिव अवे या फिर कोई ऐसा गिव अवे जो बहुत अच्छा लगे हमको भी तो बिल्कुल ऐसा भी गिव अवे जो है हम लेके आने की कोशिश करेंगे देखिए ये सब जो गिव गिवेज होते हैं मेरे लिए अकेले करना पॉसिबल नहीं है इसके लिए जरूरत होती है हमको स्पॉन्सर्स की क्योंकि एप्पल प्रोडक्ट का जो गिव अवे था हमारा वो तकरीबन ढाई लाख रुपए का गिव अवे था और एक यूट्यूब चैनल के लिए इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि अपने पॉकेट से जो वो सब चीजें करें इसलिए हमारे पास स्पॉन्सर् जैसे लेटेस्ट शॉप है ये लोग अलग अलग स्पॉन्स है हमारे जो आए दिनों हमारे चैनल पर कोई गिव गिवे रखते कुछ गिव अवे मैं अपनी तरफ से भी रखता हूं तो यहां पे अगर मुझे ऐसा कोई मिलता है स्पॉन्स जो दस प्रोडक्ट्स का गिव अवे रखे तो मैं जरूर रखना चाहूंगा लेकिन गिव अवे रखने के बाद एक चीज मुझे बुरी लगती है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आती है हमारे रेगुलर यूजर्स है उनकी तरफ से नहीं लेकिन कुछ और लोग होते हैं कुछ नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं कि भाई अपने कोई रिश्तेदार को दे दिया होगा बेटे को दे दिया होगा बाप को दे दिया होगा तो ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा मुझे मिल रहा है स्पॉन्स से वीडियो बनाने का भी और आपको प्रोडक्ट देने का भी तो मैं क्यों वो चीज़ रख के जो है अपना ईमान खराब करूँ और अपनी जो रोजी है उसके अंदर जो है मैं खराबी लेके आऊँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता जो लोग होते बिल्कुल भी वो रैंडम होते आपके सामने लाइव पिक किए जाते तो जब भी गिव अवे होगा जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते वो हमेशा करेंगे और उनके लिए मैं जरूर गिव अवे लाते रहूँगा अगला क्वेश्चन है केतन का ये भी कॉग्रेचुलेट करते हैं थैंक यू सो मच केतन ये बोलते आप एक ऐसी ऐप बताइए जो एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में ईजिली ट्रांसफर कर सके हम तो यहाँ पे दोस्त मेरे ये जो एप्लीकेशन है जितने भी जैसे शेयर रेट है बहुत सारी चीजें है ये आप ट्राई करो ट्रायल एंड एरर देखो वैसे तो मैं एंड्रॉड सेकेंडरी फोन अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा दोनों आईफोन ही यूज कराओ लेकिन जितने भी एप्लीकेशन है थोड़े दिन अच्छा चलते हैं उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते फिर भी कोई अच्छा एप्लीकेशन मुझे मिले जो बहुत ही जेनुन हो और जो अच्छे तरीके से फाइल ट्रांसफर करे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता ही दूंगा और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इनका ये है कि आईफोन से शॉर्ट रिकॉर्ड करती हो तो उसके लिए ट्राइपोड कौन सा यूज करते हो मोबाइल माउंट यूज करते हो या क्या यूज करते हो देखो मोबाइल माउंट जो है रेगुलर आता है उलांजी करके कंपनी है शायद चाइनीज ही होगी उनका एक आता है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अलूमिनियम का और ऐसा मेटल वाला आता है तो वो आप ले सकते हो और उस पर आप अपने मोबाइल को सिक्योरली माउंट कर सकते हो मैं थर्टीन प्रो या थर्टीन प्रो मैक्स से बनाता हूँ शॉर्ट वीडियोस और मेरे ट्राईपॉड पे लगा देता हूँ जो मेरा ट्राईपॉड है मैन फ्रोटो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो शायद पुराने ट्राईपॉड का है वो मैं यूज नहीं करा लेकिन आप कोई भी सस्ता ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हो क्योंकि फोन का वेट इतना ज्यादा होता नहीं तो गिरने का चांस नहीं है और कोई भी ट्राईपॉड आप यूज कर सकते हो और उसके साथ मोबाइल माउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो वैसे हैंड हेल्ड शॉर्ट्स बनाता हूं मैं जब फोन से शूट करता हूं तो जो आप वर्टिकल वीडियो देखते हो जिसमें बैकग्राउंड वगैरह अच्छे से ब्लर होता है वो अपने मैं कैमरा को ही वर्टिकल करके बनाता हूँ अगला क्वेश्चन है मितान शर्मा का ये बोलते हैं मैं अठारह साल का हुआ हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वेरी गुड और ये बोलते हैं कि मुझे शेयर देना है एपल कंपनी के और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर प्रूफ है तो क्या करंट प्राइस जो एक शेयर का वन हंड्रेड डॉलर है मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ आपके इसमें क्या व्यूज है आई एम विलिंग टू टेक अ लॉन्ग टर्म बेट पंद्रह से बीस साल देखो पंद्रह से बीस साल अगर एपल में आपको भरोसा है या फिर किसी भी कंपनी आपको भरोसा है जो आपके वैल्यूज के आपके के हिसाब हिसाब से से आपके एक अच्छा काम करती है एथिकल बिजनेस करती है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एप्पल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहे हो हो या $1065 हो। अगर पैसा है अगर आप उस कंपनी के बिजनेस के अंदर बिलीव करते हो आपको लगता है कि वो आगे भी अपने बिजनेस को ग्रो करेगी तो आप जरूर उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बहुत अच्छा टाइम है बहुत राइट टाइम है आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कीजिए और फॉरन के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं मैंने उसके बारे में कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी बताया आई मनी वगैरह है उसके जरिए से भी आप कर सकते हैं या कोई और तरीके से आपको करना है या म्यूचुअल फंड के जरिए से करना है वो भी आप कर सकते हैं इट इज अ गुड डिसीजन अगला क्वेश्चन दोस्तों आदिल का आदिपोति है कि साउथ कोरिया वाले मॉडल के अंदर आईफोन के क्या लोचा है उसके अंदर जापान वाले जैसा ही हाल है और हमने इंटरनेट पर पढ़ा के थर्टीन प्रो में आठ जी रैम दिखा रहा है आप थोड़ा बताओ ऐसा कुछ नहीं भाई सब जगह हर कंट्री में रैम सेम है चिपसेट सेम है सारी चीजें सेम है बस कुछ कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके मुताबिक एप्पल उसको ट्विक करता है जिससे जापान iPhone वहां पे शटर बटन का जो साउंड कैमरा का उसको ऑफ नहीं कर सकते लेकिन अभी iOS 15 करने के बाद अपडेट आप उसको ऑफ कर सकते हो लेकिन अगर आप जापान में यूज करोगे तो फिर से वो शटर साउंड आवाज करेगा इस तरीके से हांगकांग वाला जो मॉडल है जो मैं यूज कर रहा हूं आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स का ये जो है डुअल सिम वाला मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर दो फिजिकल डुअल सिम लगा सकते हो क्योंकि हॉन्गकॉन्ग के अंदर आपको ई e सिम फैसिलिटी नहीं देती वहां की टेलीकॉम कंपनीस इसलिए वहां के लिए एपल ने यह मॉडल निकाला है ऐसी साउथ कोरिया की भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे वही उसके अंदर रहेगा लेकिन आप इंटरनेशनली उसको यूज करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेैनल का इनके फादर के पास एक आईफोन टेन आर है उसके अंदर व्हाट्सएप प्रॉब्लम करता है इनके पास एक आईफोन सिक्स है उसमें प्रॉब्लम नहीं करता है व्हाट्सएप हैंग होता है बहुत सारे इसमें इश्यूज आते हैं ऐप क्रैश होता है उन्होंने ऐप डिलीट करके इंस्टॉल किया फोन को फॉर्मेट करके वापस से जो है बैकअप रिस्टोर किया फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप एक काम कर सकते हो एक और आईफोन के अंदर आपके डैड का जो व्हाट्सएप है उसको आप इंस्टॉल करके देखो एंड्रॉइड में करके देखो वरना डेटा लॉस वगैरह हो जाएगा किसी और आईफोन में करके देखो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपके डैड का प्रॉब्लम सॉल्व होता है मतलब आईफोन जो है उसका जिम्मेदार है अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपके डैड का व्हाट्सएप ही उसका जिम्मेदार है अब व्हाट्सएप की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ऐसा आपने लिखा है लेकिन व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा अगर ओवर यूज किया जाए तब भी ये प्रॉब्लम आता है हो सकता है आपके डैड के हजारों कॉन्टैक्ट्स होंगे हजारों कॉन्टेक्ट्स को स्टेटस डालते होंगे इस टाइप की चीजें करने से भी इशू आता है व्हाट्सएप के अंदर तो देख लीजिए इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है और क्या आपका सोल्यूशन हो सकता है मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुगी थॉट्स का ये बोलते हैं कि मुझे आई फोन ट्वेल्व मिल लेना है यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए मेरे लिए सही रहेगा एंड्रॉइड से शिफ्ट होना चाहता हूँ आईफोन पे पहली बार आईफोन लेना है बिल्कुल चाहिए बिंदास ले लीजिए आईफोन 12 मिनी इज अ ब्यूटीफुल डिवाइस इतना छोटा है आप इजीली उस पर ब्लॉक कर सकते हो एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हो दिख रहा है आपको दो उंगलियों में तीन उंगलियों में ऐसे पकड़ के आप इसे ब्लॉक कर सकते हो फ्रंट फेसिंग कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है आईफोन की चाहे कोई भी आईफोन हो थर्टीन प्रो मैक्स क्यों ना वो इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है जितनी रियर फेसिंग कैमरा की है तो जब ब्लॉक करो तो आप जो है इस तरीके से फोन को पकड़ो जहां पे आपका रियर फेसिंग कैमरा जो है वो आपके चेहरे की तरफ इससे आपको दो बेनिफिट हो एक तो क्वालिटी आपको अच्छी निकल के आएगी दूसरी ये चीज है कि जब आप फ्रंट फेसिंग कैमरा से ब्लॉक करते हो तो इंसान क्या करता है अपने आप को देखता है तो यहां पे मैं अगर देखूं तो आपको ऐसा लगेगा मैं कहीं और देख के बात करूं क्योंकि कैमरा एक्चुअली यहां पे नहीं है यहां पे है तो लेकिन जब अपना चेहरा दिखता है तो इंसान अपने आप को देखता है अपने आप को निहारता है इसलिए पीछे के कैमरा से ब्लॉक करो एंड आईफोन ट्वेल्व मिनी विल बी अफेक्ट डिवाइस फॉर यू अगला क्वेश्चन दोस्तों रजत का ये अपडेट गए फिर भी मेरा जो कैलकुलेटिंग आईफोन स्टोरेज है उस पर अटका हुआ है क्या प्रॉब्लम है देखो अभी भी कुछ लोगों के आईफोन में ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ लेकिन इसमें फिकर करने की बात नहीं डरने की बात नहीं इट इज अ बग और एपल इसको फिक्स करेगा मेरे आईफोन में ये स्टोरेज वाला बग जो है सॉल्व हो गया अपडेट करने के बाद

वाला वर्जन है उसके अंदर कुछ चेंजेस है जो उसको थोड़ा और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं जहाँ पे मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो आईफोन पे वो सारी चीज आप नहीं कर सकते जो कि आईपैड पे करते हो आईपैड में चलता है आईपैड ओएस आईफोन में चलता है आईओएस आईओएस और आईपैड ओएस जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों में एप्स भी सेम चलते हैं जहां पे मैक ओएस है वो काफी अलग हो जाता है फुल फ्लेज कंप्यूटर उसमें आप सारी चीज डाउनलोड कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो आईफोन में भी कर सकते हो सफारी के अंदर जो भी आपको डाउनलोड करना है सॉन्ग डाउनलोड करना है वीडियो डाउनलोड करना है सब चीज़ हो जाएगी लेकिन वो सॉन्ग जो आप डाउनलोड करेंगे वो एप्पल म्यूजिक में आप प्ले नहीं कर सकते उसके लिए आपको जो है या तो एप्पल म्यूजिक के अंदर जो सॉन्ग्स है वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा या आई या फिर फाइंडर के जरिए से अपने मैक से ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये चीज आप आईपैड के जरिए नहीं कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि यूज करो आप आईफोन और सेकेंडरी डिवाइस आपको एक लेना है तो आप आईपैड की जगह मैक के लिए जाइए क्योंकि सेम बजट में आपको एक मैक भी मिल जाएगा अगर आप सेकंड हैंड देखते हो तो और कम में मिल सकते हैं आपको अगला क्वेश्चन है सैंडी का ये बोलते हैं आई फोन थर्टीन मेड इन इंडिया डिस्काउंट का वेट करना चाहिए या फिर आप जो ऑफलाइन डिस्काउंट है उसमें ले लेना चाहिए देखो अगर आपको खबर नहीं हो रहा तो आपको जाके ले लेना चाहिए क्योंकि आप जो डिस्काउंट का वेट कर रहे हो उसमें आपको और पांच सात हजार रुपए बच सकते हैं लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको और पांच महीने वेट करना पड़े क्योंकि मेड इन इंडिया वाले कब आएंगे जनरली तब आएंगे जब नए आईफोन्स आ चुके होंगे यानी कि 14 सीरीज 14 सीरीज आने के बाद फिर आपका लेने का मन करेगा नहीं करेगा ये आपको सोचने वाली बात है इसलिए अभी आपको लेना है देन दिस इज अ गुड टाइम अगर आपके पास कार्ड्स है अगर आपके पास एक्सचेंज ऑफर लेने का चांस है तो ले लीजिए वेरी एन गुड अगर नहीं है तो वेट कीजिए फिर अगर अच्छे ऑफर्स आएंगे तो आएंगे अगला क्वेश्चन है मुनवर टेक का ये बोलते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ड में सिर्फ ब्लैक कलर में क्यों फिफ्टी का मिल रहा है आईफोन ट्वेल्व की बात करें शायद दूसरे कलर में क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि ब्लैक कलर मेरे भाई जल्दी कोई लेता नहीं बहुत शौकीन जो लोग होते हैं जिनको ब्लैक बहुत पसंद है वो लोग ही ब्लैक लेते हैं उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको इंडिया में जो है या बहुत सारी जगहों पे लोगों को एप्पल का जो लोगो है वो दिखाना पसंद है इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी प्रेस्टिज कंपनी रेप्यूटेड कंपनी और इस पर जो लोगो होता है ये लोगों को बहुत पसंद होता है तो ये चीज़ दिखाने के लिए अगर आप ब्लैक लेते हो तो ब्लैक में वो इजिली दिखता नहीं है इसलिए लोग जनरली जो है इस टाइप के केसेस जो ये थर्टीन प्रो मैक्स पे मैंने लगा के रखा है कितना खूबसूरत केस है लेकिन ये प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें लोगो नहीं दिखता लोग क्या केसेस प्रेफर करते हैं इस टाइप के करते हैं जो मेरे आईफोन 13 प्रो पे है जहाँ पे आपको एप्पल लोगो नज़र आ रहा है इस टाइप के केसेस इसलिए जो है ब्लैक वाले का कॉस्ट जो है कम रखा हुआ है क्योंकि वो इतना बिकता नहीं है अगला क्वेश्चन दोस्तों जावेद का जावेद बोलते हैं कि आईफोन थर्टीन सीरीज में नॉइस कैंसलेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या एप्पल ने ये चीज को एक्सेप्ट किया है एप्पल ने ये चीज को एक्सेप्ट किया भी और नहीं भी किया यानी कि उनके जो एम्प्लॉई है एप्पल सपोर्ट के उन्होंने बताया कि इसमें से वो फीचर एप्पल ने हटा दिया यानी कि वो फीचर नहीं है अब कौन सा फीचर नहीं है ये बारे में उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दी तो हो सकता है कि नॉइस कैंसिलेशन वाला ही फीचर नहीं है या फिर सिर्फ उसको टॉगल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं हो सकता है वो परमानेंटली ऑन ही हो तो इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन एप्पल की तरफ से आया नहीं हमको खुद ही कुछ टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोडी वी का अब ये क्वेश्चन जो है काफी अजीब लगा मुझे लेकिन ठीक है ये भी एक सवाल है लोगों के दिल में तो हम इसका भी जवाब देंगे बोलिए अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए एक है आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स या फिर ओला की S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पास एक लाख तीस हजार का बजट है तो आप कौन सा लूंगे डेफिनेटली मैं आईफोन लूंगा ऐसा नहीं कि मुझे स्कूटर पसंद नहीं है ऐसा नहीं कि मुझे स्कूटर की जरूरत नहीं है लेकिन जितनी चीज मेरा आईफोन कर सकता है वो चीजें वो स्कूटर नहीं कर सकती स्कूटर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा सकती है आईफोन मुझे वो चीज नहीं कर सकता लेकिन आईफोन मुझे पैसे कमाने में मदद कर सकता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है आईफोन के कैमराज बहुत अच्छे है मैं अपना कॉन्टेंट के इंस्टाग्राम पे मैं अपना कॉन्टेंट बना के यूट्यूब शॉर्ट्स में यूट्यूब पे कहीं भी डाल सकता हूं और उससे मैं पैसे कमा सकता हूं मैं नेट पर ब्राउसिंग कर सकता हूं उससे पढ़ाई कर सकता हूं मैं उससे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो स्कूटर से पॉसिबल नहीं है स्कूटर का काम सिटी बस भी कर देगी लेकिन आईफोन का काम एक एंड्रॉइड फोन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्वालिटी वो नहीं दे पाए अगला क्वेश्चन है दोस्तों एफ डी ट्वेंटी एम ई जीरो जीरो सेवन विष्णु का बहुत बड़ा नाम रख दिया भाई आपने विष्णु भाई बोलते हैं कि मैंने आपके वीडियोस देख के आईफोन लिया जब से आईफोन लिया हूं यूज करना शुरू किया तब से आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आईफोन क्यों लिया सबसे सही चीज है एकदम सही चीज है ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जैसे यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं कि आईफोन लेना पछताना पड़ेगा देखो ऑडियंस की जो सेंटिमेंट्स है उसके बाद खेलती है ऑडियंस क्या पहले डरी हुई है इंडियन ऑडियंस क्या है पहले डरी हुई है भाई आईफोन लेंगे तो फंस जाएंगे व्हाट्सएप भी पैसा देकर यूज करना पड़ेगा फेसबुक भी पैसा यूज़ करना पड़ेगा हर चीज का पैसा ले लेगा एप्पल हमारे बैंक अकाउंट खत्म कर देगा हम कंगाल हो जाएंगे रास्ते पर आ जाएंगे ये पहले ही सोच के वो बैठे रहते आग में जो है घी डालते हैं यूट्यूबर्स हमारे जहां पे वो बोल देते भाई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है आईफोन की आज हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे पहली प्रॉब्लम आप एंड्रॉइड से आईफोन के अंदर व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते आपका डेटा लॉस हो जाएगा भाई आईफोन की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तो एंड्रॉड की भी है आईफोन से एंड्रॉइड पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका व्हाट्सएप डेटा लॉस हो जाएगा ये क्यों नहीं बोलते ये यूट्यूबर्स तो ऐसे ही रहता है इनकी सब बातें घुमा फिरा के यही सब है बस लोगों को एक ही चीज करनी है कि पायरेटेड जो ऐप्स है वो इस्तेमाल करना है इसलिए वो लोग सोचते हैं कि भाई हर चीज आईफोन के अंदर पेड रहती है सब कुछ नहीं है जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे फ्री है वही एप्लीकेशन आपको आईफोन पे भी फ्री मिलेगा फेसबुक फ्री है व्हाट्सएप फ्री है यूट्यूब फ्री है सब कुछ फ्री है जो पेड एप्लीकेशन एंड्रॉड पे होते हैं वही पेड एप्लीकेशन आईफोन में होते हैं जैसे किन्ने मास्टर या काइन मास्टर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है लेकिन एंड्रॉइड हैं उसके एपी के फाइल डाउनलोड कर लेते हैं अब उनका डेटा चोरी हो उसमें कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए उनके बीवी बच्चों के फोटो चोरी हो जाए उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यही चीज जो है लोगों को घुमा फिरा के सुनाई जाती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों शगुन का शगुन भी कॉन्ग्रचुलेट करते थैंक यू शगुन ये बोलते एक क्वेश्चन था मैकबुक एयर की बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में कि एपल की बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो तेरह हजार रुपए है क्या मैं बाहर से करवा लू जैसे फॉक्सकॉन का आपने बताया था बैटरी का बाहर मिल जाएगी क्या या फिर मैं एक एप्पल स्टोर से करवा लू देखो भाई आपका मैकबुक जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पर सब डिपेंड करता है मैं उतने साल मैकबुक रखता नहीं हर साल मैं मैकबुक चेंज कर लेता हूं जब भी नया आता है तब मैं इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं रखता लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता सकता हूं मतलब मैंने वो चीज करवाई नहीं है बाहर मैकबुक की बैटरी बाहर जाकर रिप्लेस नहीं करवाई एप्पल स्टोर पर रिप्लेस नहीं करवाई वो नौबत नहीं आई क्योंकि मैं चेंज कर लेता हूँ लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका मैकबुक आपके लिए वो जो तेरह की बैटरी है जो आप कहीं और से डालेंगे तो हो सकता है आपको आठ हजार की मिले नौ हजार की मिले तो वो जो प्राइस डिफरेंस है क्या वो वर्थ है बाहर से करवाने में क्योंकि उसमें एक रिस्क भी होता है मतलब बाहर से आप बैटरी चेंज करवाएंगे तो टेक्नीशियन कितना ट्रेंड है आपको पता नहीं उसकी कोई वारंटी है या नहीं पता नहीं आपका मैकबुक खराब हो जाएगा तो वो कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं पता नहीं एप्पल पर तो आप डेफिनेटली ज्यादा पैसे दे रहे हो लेकिन आपको मालूम है कि जो पार्ट है वो जेनुइन है अब फॉक्सोन की बैटरी मैं आपको बोल रहा हूँ यहां से आपको मिल रही है अब वहां पर जाने के बाद आपको जेनुइन चीज देता नहीं देता आपको नहीं पता सेलिब्रिटी तो वैसे भी मैकबुक की बैटरी रखता नहीं आप किसी और के पास जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो लोग क्या देंगे आपको क्या नहीं देंगे उसके बाद जो उनका टेक्नीशियन है वो इतना स्किल्ड है अगर कभी कुछ चीज खराब हो जाती है तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे एपस टू वाले एटलीस्ट आपको जो है उस बैटरी के ऊपर कुछ वारंटी देंगे जो ये बाहर से आपको नहीं मिलने वाले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तेरह हजार रुपए ही एपल स्टोर से ही रिप्लेस करवानी चाहिए यही मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा अगला क्वेश्चन दोस्तों निकेत वाल्मीकि का ये बोलते हैं आपको एक ऑटोमोटिव चैनल भी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए तो हमारा जो ब्लॉग वाला चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कार रिलेटेड ब्लॉग डालू वहां पे ही ऐसे टाइप की थोड़ी मस्ती मजाक करते रहेंगे बहुत ज्यादा सीरियस ऑटोमोटिव चैनल वगैरह मैं नहीं बनाना चाहता हूं लेकिन एक मस्ती मजाक वाला चैनल जहां पे थोड़ी बहुत बात हो जाए थोड़ा बहुत मैं घूमना फिरना दिखा दूँ अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे हफ्ते में एक ब्लॉग में डाला करूंगा अभी ये पूछते हैं कि यहाँ पे टाटा डिगोर आई सी एन जी प्लस या यूनडाई और सी में से आप कौन से लेंगे तो यहां पे मेरे दोस्त मैं कभी भी यूडाई के साइड पे नहीं जाना चाहूंगा एज अ पर्सनल व्हीकल पहली बार टाटा की गाड़ी थोड़ा सेफ्टी के तरफ इंक्लाइंड है और सेफ्टी रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है मेरा वो व्लॉग वाले चैनल पे तो जरूर देखना आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखना वो वीडियो ऑलरेडी तैयार है शायद मैं कल डाल दू उसको तो युंडे की गाड़ियां जो है मैं कभी भी लेना प्रेफर नहीं करूंगा एज अ पर्सनल व्हीकल टाटा पे ही मैं जो है जाना चाहूंगा इन दोनों के बीच हाँ डेफिनेटली यूडे के अंदर फीचर्स ज्यादा होते हैं लेकिन फीचर्स से ज्यादा जो है जान इंपॉर्टेंट होती है फीचर से ज्यादा जो है राइड क्वालिटी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और हर साल युडा इतना ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं इतने गाड़ी के लुक में कि मुझे वो चीज़ जो है बिल्कुल पसंद नहीं आती अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीपांशु का ये बोलते हैं मेरा क्वेश्चन है एप्पल के बैटरी केसेस के बारे में तेरह हजार रुपये के आसपास मिलते हैं आईफोन 11 आई 12 के केसेस तो क्या ये लेना वर्थ है क्या आप बता सकते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर बैटरी के ऊपर देखो मेरे भाई ये जो तेरह तेरह हजार के बैटरी केसेस है जो आईफोन 11 सीरीज़ के लिए आते हैं वो लेना मुझे वर्थ नहीं लगता जो चीज़ मुझे वर्थ लगती है लेना अगर आपके पास आई 12 ट्वेल्व या आई फोन सीरीज है और उसमें आपके पास ऐसा आईफोन है जिसके अंदर बैटरी लाइफ कम है तो आप ये जो मैक्स सेफ वाला चार्जर इसके जा सकते हो बैटरी बैकलप लेकिन ये भी ग्यारह हजार रुपये का तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपके लिए वो चीज बड़ी नहीं है तो डेफिनेटली ये जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है बहुत जबरदस्त है इस टाइप से आप लगा दो खास करके आपके पास प्रो मॉडल है या फिर नॉन प्रो मॉडल है उसके लिए आप जा रहे हैं मैं प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ प्रो या फिर नॉन प्रो वाले सिक्स पॉइंट इंच वाले है या मिनी है तो बहुत अच्छी चीज है आप इसको इस तरीके से लगा दो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ आपको ये निकाल के देगा तो ये एक अच्छी चीज है बट वो जो केसेस है स्मार्ट केसेस वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते अगला क्वेश्चन है नीलम चोपड़ा का आप क्वेश्चन खुद ही पढ़ लो आईफोन के नेवर रिप्लेस एंड्रॉइड ये एक सोने का पिंजरा है ऐसा है वैसा है बहुत कुछ ये बोल रहे हैं मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ मैडम नीलम चोपड़ा जी आपने जो है ये कभी मजा चखा नहीं है और आपने जिस चीज़ का मजा चखा नहीं है आप उसका स्वाद नहीं जानते आप बोलेंगे यार बिरयानी नहीं खाती मैं बिरयानी मुझे पसंद नहीं है बिरयानी से अच्छा तो दाल चावल है बिरयानी से जो है हाजमा खराब हो जाएगा पेट खराब हो जाएगा मैं मोटी हो जाऊंगी मुझे ये हो जाएगा मुझे हो जाएगा मेरा वजन बढ़ जाएगा मुझे जो है कोई और तकलीफ हो जाएगी मुझे अल्सर हो जाएगा अगर आप ये सोचते हैं और आपने कभी बिरयानी चखी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि बिरयानी का मज़ा क्या है और अगर आईफोन यूज़ करना एक गोल्डन केज है तो भाई गोल्डन केज या सोने का जो पिंजरा है उसमें रहना मैं बहुत प्रेफर करूंगा क्योंकि मुझे जो सोने के पिंजरे में क्वालिटी निकल के आती है वो बहुत अच्छी निकल के आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे जितने क्वेश्चंस में ले रहा हूँ उसके अंदर भी आप देख सकते हैं और दूसरे कॉमेंट्स भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे जितने लोगों ने एंड्रॉइड से आईफोन शिफ्ट किया बात सुन के हमारी वो लोग जो है खुश ही है अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोहेल का ये बोलते हैं एक चीज थी आप हमेशा टी शर्ट क्यों पहनते हो आपको कभी शर्ट पहने नहीं देखा मैंने शर्ट भी पहना है क्यों इन्हें में भी देखा है लेकिन जब मैं कभी शादी में जाता हूं कहीं जाता हूं फंक्शन वगैरह में तो अदरवाइज़ टी शर्ट पहनना ही पसंद करता उसका रीजन ही है उसका रीज़न ये कि मैं कंफर्टेबल रहना चाहता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा खुद का ऑफिस है मैं खुद का खुद ही बॉस हूँ मुझे किसी की नौकरी करनी नहीं है तो मैं अपनी मर्जी की चीज़ कर सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंफर्टेबल रहूँ और कंफर्ट में रहते हुए मैं काम करूँ क्योंकि ये काम भी बहुत मेहनत का काम है हाँ आपको ऐसा लगता होगा मे भी कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई कैमरा के सामने बैठा और बड़बड़ शुरू लेकिन ऐसा नहीं है इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइटिंग देखना पड़ता है साउंड देखना पड़ता है कैमरा देखना पड़ता है टॉपिक निकालने पड़ते हैं भाई एडिटिंग करनी पड़ती है बहुत कुछ करना पड़ता है तो यहाँ पे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल रहने की मैं कोशिश करता हूँ इसलिए मैं हमेशा टी शर्ट पहनता हूँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रीफ हिस्ट्री का बता आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स के लिए बेस्ट क्लियर केस कौन सा है जो येलो ना पड़े लॉन्ग टर्म में देखो मेरे भाई एक ही क्लियर केस है जो कभी येलो नहीं पड़ेगा वो है एपल का क्लियर केस जब से आईफोन थर्टीन लॉन्च हुआ है तब से मेरे आईफोन थर्टीन पे ये एप्पल का क्लियर केस है मैक्से वाला देख सकते हैं आप बिल्कुल भी येलो नहीं है बाकी कोई कंपनी का ले लो आप जो कंप्लीटली क्लियर केस है वो पीले पड़ेंगे ही थर्टीन प्रो के लिए भी आ चुका है ये थर्टीन प्रो पे लगा हुआ है थर्टीन प्रो मैक्स के लिए भी आ चुका है लेकिन मैं उसके लिए कोई और कंपनी के केसेस रिव्यू करने के लिए टेस्ट कर रहा हूं जब मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा तो उसका रिव्यू आपके सामने आ जाएगा लेकिन जो बेस्ट है थर्टीन प्रो मैक्स लिया मतलब पैसे वाले हो तो एप्पल के क्लियर केस के लिए जाओ चार हजार रुपए उसकी कीमत है आपके आईफोन के लिए इट इज द बेस्ट केस अगर आप क्लियर लेना चाहते हो तो अगला प्रश्न है दोस्तों शोभित का बिग बिलियन डे सेल करने में बजट नहीं था तो आईफोन फोन ट्वेल्व जो है अमेजॉन से उन्होंने वन ट्वेंटी जी सिक्सटी टू थाउजेंड का लिया लेकिन अभी देख रहे हैं कि सिक्सटी फाइव थाउजेंड में जो है आईफोन थर्टी मिल रहा है तो क्या गलत कर दिया देखो मेरे भाई गलत कुछ नहीं होता पहली बात आईफोन ट्वेल और आईफोन फोन में जो है आपको दो चीजों में मेनली फर्क देखने मिलेगा तीन चीजों में फर्क देखने मिलेगा एक है वो नॉच जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको दूसरी चीज़ है ये जो कैमरा का टाइप है कि यहाँ पे जो है डायग्नली प्लेस है यहाँ पे वर्टिकली प्लेस है ये तीसरी चीज है बैटरी लाइफ जो थोड़ी बहुत में फर्क है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और एक और चीज़ है सिनेमैटिक वीडियो मोड इसके अलावा मुझे जो है कोई खास चीज यहाँ पे डिफरेंस लगती नहीं अगर आपने ले लिया है तो रख लो और सिक्सटी में जो आईफोन थर्टीन मिल रहा है उसके पीछे बहुत सारे कंडीशन है आपने जो लिया होगा जाके सीधा सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज दे लिया होगा लेकिन सिक्सटी फाइव थाउजेंड में आईफोन थर्टीन लेने के लिए आपको वो कार्ड होना चाहिए आपके पास एक्सचेंज करने के लिए फोन होना चाहिए जिसपे आपको एक्सचेंज ऑफर मिले और बहुत सारे कंडीशन तो इस टाइप की अगर आप कंडीशन पूरी कर सकते हो तो फिर हाँ आपसे गलती हो गई है अदरवाइज कोई गलती आपसे नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है और हमारे क्यू ए का आखिरी क्वेश्चन है वेंकट का बोलते हैं कि कांग्रेस फॉर वन मिलियन सब्सक्राइबर भाई जिस जिसने बोला है थैंक यू दिल से सो मच आप लोग है इसलिए वन मिलियन हुआ है आप ही है वो सब्सक्राइबर्स जो वन मिलियन कर रहे हैं तो हमारा इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है और कोई खासियत नहीं है आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको पसंद आया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू वन सेकेंड सो मच बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया ये बोलते बेस्ट पीडीएफ स्कैनर फॉर आईफोन सजेस्ट कीजिए नबील भाई तो बेस्ट पीडीएफ स्कैनर मुझे अभी तक एफ पी स्कैनर लगता था मैंने उसको एक वीडियो में इंक्लूड भी किया था एफपी बी आप सर्च कर सकते हो आप डाउनलोड कर सकते हो मैं यूज भी कर रहा हूँ पर्सनली लेकिन उस टाइम पर जब मैंने वीडियो बनाया था या वीडियो में इंक्लूड किया था उसको उस टाइम पर उस पर एड्स नहीं आते लेकिन अभी मैं देख रहा हूं थोड़े एड्स उन्होंने इंक्लूड कर दिया तो आपको चलता है अगर तो बहुत अच्छा स्कैनर हो पीडीएफ के लिए दोस्त दोस्तों तो अगेन रिमाइंड कर देता हूं वो ब्लॉग वाली जो वीडियो है वो देख लेना आपको क्या लगता है क्या फीडबैक है आपका उसमें बताइए आप मैं कोशिश कर रहा हूँ व्लॉगिंग अपने को ज्यादा अच्छे से कोई आती नहीं है अच्छे से क्या बहुत बुरे से ही आती है लेकिन अपने आईफोन थर्टीन प्रो से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अभी से और छोटे मोटे ब्लॉग जो है आपके लिए इस तरीके से पकड़ के डालने कोशिश करूंगा उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुड बाय